इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब, उनको लड़ाया जाए। इन्होंने भी दबाव बनाए कि अब आपको चुनाव लड़ना होगा, तो मजबूरी में हम फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एजेंट न्यूज। देखिए, बेलागंज से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को बदला है। इससे पहले खिलाफत हुसैन वहां से उम्मीदवार थे जनसुराज के, लेकिन प्रशांत किशोर को ऐसा लगा कि खिलाफत हुसैन अपनी बातों को मजबूती से अपने क्षेत्र में नहीं रख पा रहे, तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने बेलागंज से अपने प्रत्याशी को बदला और प्रत्याशी को बदलते हुए वहां से अमजद हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया। और प्रशांत किशोर ने अमजद हुसैन को जैसे ही उम्मीदवार बनाने की घोषणा की, अमजद हुसैन ने भी वहां से ताल ठोक दिया। बेलागंज से प्रत्याशी के तौर पर अमजद हुसैन ने ताल ठोकते हुए कहा है कि जनता के विश्वास और पार्टी के समर्थन से मैं चुनाव जीतूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं टिकट मिलने के बाद अमजद हुसैन, सुनिए। हम मोहम्मद अमजद है और बेलागंज से जो है आपके 2005 में पहला चुनाव लड़े थे, फिर 10 में आपके जदयू से लड़े जो आपके मात्र लगता है 4100 वोट से हारे थे, और उस समय से अभी तक हम संघर्ष करते रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो है आपके चुनाव लड़ने का मन नहीं था, 3-3 चुनाव हम हार चुके थे। पूरे आपके परिवार का जिम्मेवारी रहता है और एक साधारण परिवार से हम हैं। मेरे वालिद जो है आपके एक किसान हैं, मात्र 10 बीघा जमीन मेरे वालिद के पास है और हम लोग 6 भाई। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब, उनको लड़ाया जाए, तो इस पर सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए। तमाम जनता के सामने हमने घोषणा किया कि इनको चुनाव बेला से लड़ाया जाए। फिर बाद में वहाँ की जनता जो है डिमांड किया और दबाव बनाए कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना चाहिए, और साथ में पार्टी के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, इनके पास भी जो है आपके फीडबैक जो क्षेत्र से आया, तो इन्होंने भी दबाव बनाए कि अब आपको चुनाव लड़ना होगा, तो मजबूरी में हम फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और बेला जो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और जीत कराएंगे। सुना आपने किस प्रकार से अमजद हुसैन ने ताल ठोक दिया है बेलागंज से। मैं आपको बता दूं कि बेलागंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने पहले से एक प्रत्याशी को चुना था खिलाफत हुसैन के रूप में। खिलाफत हुसैन लोगों के बीच में जा तो रहे थे, लेकिन अपनी बातों से लोगों को रिझा नहीं पा रहे थे, अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो जनसुराज की तरफ आए, अपने लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। वैसे में प्रशांत किशोर को लगा कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो चुनने में गलती हुई है, जिसे सुधारते हुए प्रशांत किशोर ने वहां से खिलाफत हुसैन को हटाया और अमजद हुसैन को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। मैं आपको बता दूं कि इस बार पहली बार जनसुराज जो है वो बिहार के किसी चुनाव में उतरी है, बिहार के देश के किसी भी चुनाव में उतरी है। बिहार में इस वक्त 2 इलेक्शंस चल रहे हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ की सीटें हैं। तो ऐसे में 4 सीटों पर जनसुराज ने अपने प्रत्याशी को उतारे थे, लेकिन 2 सीटों पर प्रशांत किशोर से गलती हो गई और दोनों ही सीटों पर जो प्रत्याशी थे उसे बहुत अच्छे तरीके से परख नहीं पाए थे प्रशांत किशोर। एक के साथ समस्या ये हुई कि वो बिहार का वोटर नहीं निकला, तो दूसरे के साथ समस्या ये हुई कि वो लोगों तक अपनी बातों को सही से पहुंचा नहीं पा रहा था। जैसे में प्रशांत किशोर ने दोनों ही जगहों को प्रत्याशी को बदला है। बेलागंज के बारे में मैंने बताया कि बेलागंज से पहले खिलाफत हुसैन थे, अब वहां से अमजद हुसैन है, लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर ने एक और प्रत्याशी को बदला। तराड़ी से जहां पर पहले श्री कृष्ण सिंह थे, उनके जगह पर अब किरण सिंह को मौका मिला। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा दैनिक साथ। धन्यवाद।